सबसे बड़ी खबर जी हां, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जो उठा पटक खींचतान चल रही थी, उद्धव ठाकरे होंगे महाराष्ट्र के अगले सरदार। जी हां, उद्धव ठाकरे होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ऐसा एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र की राजनीति के पावरफुल प्लेयर शरद पवार ने यह साफ कर दिया है। साझा बैठक में उद्धव को सीएम बनाने पर सहमति हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना होगा। एक ही मुद्दा अनुत्तरित ठेवायचा नाही, म्हणून सगळे विषय सोडवल्यानंतर पूर्ण सगळ्या विषयांची उत्तर घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येतो आहोत, पण चर्चा अतिशय चांगली आणि योग्य दिशेने चालू आहे। सर, यावर पत्रकार परिषद होईल का? होणार होणार होणार। कधी होईल सर? मागे मागे हे सगळं ठरवून आम्ही तुमच्या समोर येतो। जी हाँ, एक महीने की खींचतान के बीच आज ऐसा लगता है कि अब ये काउंटडाउन खत्म हो गया है। इस बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि मैंने जो शपथ ली थी, जो अपने पिता को वचन दिया था, वो पूरा होता दिख रहा है। अभिषेक शर्मा, जी हाँ, अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी मुंबई से। अभिषेक, मुहर लग गई, उद्धव ठाकरे होंगे अगले सरदार। बिल्कुल, देखिए शरद पवार ने बहुत बड़ा बयान दिया। शरद पवार ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसके वह सहमति बन गई है, लेकिन कह सकते हैं शरद पवार ने जो कहते हैं उनका जो कार्ड है वह खेल गए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने इंडिया न्यूज से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा, बाइट हमारे पास है, आप देखेंगे सुनेंगे देखें किस तरीके से बड़े बड़ा बयान कर दे रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी समझिए किस तरीके शरद पवार एक बड़ा बयान देते हैं, यानी अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनता है तो कहीं मामला फंस सकता है। यह बड़ा बयान शरद पवार ने दिया है तो जरूर इस मामले पर है कि शरद पवार ने साफ साफ यह भी कहा है कि कल तीनों पार्टियां एक साथ आकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब मामला शांत हो जाएगा। जब हमने पूछा क्या लगता है ढाई ढाई साल का मुख्यमंत्री एनसीपी और शिवसेना को चाहिए, उन्होंने कहा जो मैं बोल रहा फिलहाल आप वो सुनिए, बात की बात बाद में करेंगे। लेकिन यह बात सही है कि सभी मुद्दों पर लगभग लगभग बात बन गई है, लेकिन बात इस पर अटक गई है। कह सकते हैं अगर शरद पवार की माने तो शरद पवार के बारे में आपको पता है जो वह बोलते हैं जो कहते हैं उसमें बड़ा मतलब निकाला जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, और यानी ये इसका मतलब हम ये समझे कि सोनिया गांधी या फिर शरद पवार दोनों इस बात पर राजी हुए हैं कि अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने हैं तो ही हम समर्थन देंगे। हालांकि इसका हम जो मैं मतलब निकाल पा रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस मामले पर शरद पवार का बयान जो है अभिषेक मतलब रखता है। अभिषेक, एक बात समझाइए दर्शकों के लिए कि उद्धव ठाकरे सुबह से जब से अपने विधायकों से मिले थे ऐसी खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे नानुकुर कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। देखिए आपको पूरा घटनाक्रम बताऊं, सुबह जब करीबन 10:30 बजे अपने विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे मुलाकात किए और सभी विधायकों ने एक सौ शब्दों में कहा कि साहब आप मुख्यमंत्री बन जाइए, हम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे ही यानी आप मुख्यमंत्री बने। इस पर उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे को शपथ दिया है, वचन दिया है कि एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि यह भी आपको पता है शिवसैनिक खुद उद्धव ठाकरे भी हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं कि वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन उनका यह मतलब था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री आप में से कोई बने, हमें कोई मुख्यमंत्री का लालसा नहीं है न लालच है। और यह कहीं कहीं देखिए इसका पीछे का मकसद यह भी समझना चाहिए कि उन्हें पता है कि उनके पास नंबर नहीं है, उनके पास नंबर बहुत कम है, और ठाकरे परिवार अगर कहीं सत्ता पे सीएस बैठ गया
जाहिर सी बात है जिस तरीके से अगर जो निशान साधा जाएगा, और जाहिर सी बात आपको पता है कि बीजेपी बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में है और कहीं के विरोधी भी बड़ा लेवल पे करेगी, तो कहीं कहीं इन तकलीफ हो सकती है। और यही वजह है कि एक मैसेज ये भी जा सकता है कि ठाकरे परिवार सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहा था और सीएम पर ठाकरे परिवार को भी बैठना था, और यही वजह है कि वो उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा। तो कई सारे ऐसे मैसेज जा सकते हैं, उद्धव ठाकरे को पता है, इसलिए उद्धव ठाकरे रणनीति के तत्व चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री ना बने बल्कि दूसरा कोई मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसे शरद पवार का जो बड़ा बयान आया है उसे साफ समझ सकते हैं कि जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे थे, इंडिया न्यूज के माध्यम से लगातार बता रहे थे, किस तरीके से उद्धव ठाकरे का ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना तय है, और वो अब शरद पवार का एक बड़ा बयान जिस तरीके से आया और कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, इस पर हम सहमति जता रहे हैं। यानी साफ है कि हम समझ सकते हैं कि शरद पवार के इस बयान के बाद, और जैसा कि मीटिंग में हुआ है, उद्धव ठाकरे का हृदय परिवर्तन होगा, मन परिवर्तन होगा, और जरूर वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि तमाम तरीके से दबाव भी है। और एक ये भी इसके पीछे देखा जा सकता है कि अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं, अभिषेक तमाम पार्टी अभिषेक ये तो तय हो गया कि हृदय परिवर्तन हो चुका है। और मुझे याद है बाला साहब के लिए जो कहा जाता था हिंदू हृदय सम्राट, तो उनके बेटे ने अपना हृदय परिवर्तन किया और जो वचन अपने पिता को दिया था मुझे ऐसा लगता है वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पर अभी भी शिवसेना की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। पवार ने जरूर कहा है, आप जो बता रहे थे समझा रहे थे उसके मुताबिक, कि अगर उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे तो ऐसा लगता है सारी पार्टियां इसी पर सहमत हैं कि ये सरकार बनाई जाए। बहरहाल हमारे साथ मेहमान के रूप में अजीत मेंडोला साहब जी, आप क्षेत्रीय इंडिया न्यूज के चैनल के राजनीतिक संपादक हैं। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी, आप शिवसेना का पक्ष रखेंगे और आज मुझे ऐसा लगता है उनके चेहरे पे एक खुशी का भाव भी दिख रहा है। और मेरे साथ मसूद हाशमी साहब कई दिनों बाद आए हैं और ये खबर के साथ कि अब उनका भी दल एक ऐसे बेमेल गठबंधन का हिस्सा है जो महाराष्ट्र में सरकार चलाएगा। अजीत जी, ये बेढंगा बेमेल गठबंधन कहा जाता दिख रहा है आपको? नहीं नहीं, ये देखिए बेढंगा भले ही हम कह सकते हैं कि बेढंगा है और अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें हैं, लेकिन ये बहुत सुनियोजित तरीके से, मैं कहूंगा इसको बहुत सोच समझकर सारी चीजें सारा गुणा भाग लगाकर बनाया गया है। और मुझे तो अब कई बार ये शक होने लगता है कि जैसी रिजल्ट के दिन से ही मेरे ख्याल से इसकी भूमिका बन गई उद्धव ठाकरे को लेकर, कहीं हो सकता है जो अभी हमारे संवाददाता कह रहे थे, लेकिन पहले दिन ही ये संकेत सूत्रों ने यहां से पार्टी ने दिए थे कांग्रेस के कि उद्धव ठाकरे ही होंगे। और यही वजह है कि जब अहमद पटेल पहले दिन महाराष्ट्र गए थे, मुंबई दौरे पे गए थे, काफी हद तक चीजें तय हो गई थी। केवल अब ये है कि दिन कब तय होना है, विभाग क्या होंगे, कौन विभाग किसको मिलेगा, और ये बहुत सोच समझ कर करा है। दोनों दल अपना फायदा इसमें देख रहे हैं। देखिए अब ये सरकार चलेगी कितने टाइम, कितने साल, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो है ये बिल्कुल सोच समझ के एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करने के लिए बनाया गया है गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस जो अभी तक मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर तमाम तरह के आरोपों से झेलती थी, उनके नेताओं को मंदिर के चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी कहीं जाना पड़ता, तो ये गठबंधन होने के बाद काफी हद तक अब कांग्रेस के लिए कई सारी चीजें अब उस पर आरोप नहीं लगेंगे और एक अलग तरह की लड़ाई अब कांग्रेस लड़ेगी। और कांग्रेस की पूरी कोशिश यह है कि ये गठबंधन पूरे 5 साल चले। अब एनसीपी के नेता शरद पवार ने क्या रणनीति बनाई है, शरद पवार को समझ पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि अगला लोकसभा का चुनाव इसी गठबंधन पर हो। जी जी अजीत जी, ये बताइए कि आखिर कौन किसके सामने टूटा और झुका, कांग्रेस शिवसेना के सामने या शिवसेना कांग्रेस के सामने? मनीष जी, इस वक्त जो दोनों तीनों दल हैं उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती अपना अस्तित्व बचाने की है। एनसीपी भी जानती है, आपने देखा होगा चुनाव से पहले ईडी ने शरद पवार के इर्द गिर्द अपना घेरा बनाया था, उसके बाद कांग्रेस तो इस पूरे ईडी प्रकरण से दुखी थी। तो आप सबके सब दल जो आज तिन्ही पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पहिल्या प्रथम एकत्र बसले, बऱ्याचशा गोष्टीवरती आम्ही मार्ग काढलेला आहे,
पडलं आम्ही असं ठरवलंय की एकही मुद्दा अनुत्तरित ठेवायचा नाही म्हणून सगळे विषय सोडवल्यानंतर पूर्ण सगळ्या विषयांची उत्तरं घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येतो आहोत पण चर्चा अतिशय चांगली आणि योग्य दिशेने चालू आहे. पत्रकार परिषद होईल का? होणार. कधी होईल सर? मागे ये मागे. हे सगळं ठरवून आम्ही तुमच्यासमोर येतो. शिवसेना के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे को आप मराठी में बोलते सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि कुछ इक्का दुक्का ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा अभी भी चल रही है लेकिन आमतौर पर सहमति हो चुकी है और आपको अच्छी खबर कल तीनों पार्टी के नेता एक साथ मिलकर संवाददाता सम्मेलन में साफ करेंगे. जी हाँ, उद्धव ठाकरे के चेहरे पर जो भाव हैं जो हाव भाव हैं वो ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक कर संवाददाता सम्मेलन में साफ करेंगे. जी हाँ, उद्धव ठाकरे के चेहरे पर जो भाव हैं जो हाव भाव हैं वो ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और उन्होंने अपने पिता को जो वचन दिया था वो वचन पूर्ति होती दिख रही है. नेहरू सेंटर से बाहर निकलकर उद्धव ठाकरे ने मीडिया के कुछ लोगों से बात की, बात मराठी भी की उनके साथ. उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी वहां मौजूद. आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे ने जो बात की उसमें उन्होंने साफ किया कि कुछ इक्का दुक्का ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है. सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और कल सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सारी चीजें खुलकर साफ हो जाएंगी. उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के होंगे अगले मुख्यमंत्री. सूत्रों के हवाले से खबर, पवार कांग्रेस सारे नेता चाहते हैं कि उद्धव ही बने. एक मिनिट, तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो की आज तिन्ही पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पहिला. आइए इस पर मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है. हालांकि ये वक्त देश का सवाल का होता है और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र को लेकर जो सवाल था जिसको लेकर बवाल मचा हुआ था अब वो खत्म होता दिखाई दे रहा है. उसका काउंटडाउन जो है वो आ गया है. मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है. जी हाँ, इसमें सबसे पहले मैं ये चलता हूं आपको संजय द्विवेदी जी के पास. संजय द्विवेदी जी, आज जरा मुस्कुरा दीजिए. ठाकरे आला रे, मी आपल्या बालासाहेबांना शपथ दिली होती. आपको मराठी शायद नहीं आती होगी. उन्होंने कहा था कि मैंने अपने पिता को शपथ दी थी, वचन दिया था कि अगला मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो वो शिवसेना का होगा, वो शिवसैनिक होगा. लेकिन ये कभी नहीं उन्होंने कहा कि मैं बनना चाहता हूं. संजय द्विवेदी जी, फोन कट गया भैया, फिर से फोन करिएगा. संजय द्विवेदी जी से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. संजय द्विवेदी जी के पास हम तुरंत संपर्क करेंगे. मसूद हाशमी साहब, बेमेल बेढंगा गठबंधन चलेगा 5 साल. मनीष जी, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपको बधाई दे देता हूं. नहीं, बहुत दिन से बगैर पानी के जैसे मछली तड़पती है वैसे आपके महाराष्ट्र के जो विधायक थे सत्ता में 5 साल क्या दूर हुए, तड़प रहे थे कि सरकार कैसे भी बना लो. मनीष जी, मैं वही आपको सफाई दे रहा हूं कि मैं बीजेपी के खिलाफ अगर बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेसी हूं. मेरा कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है. कांग्रेस से उतनी ही दूरी है जितनी बीजेपी से. और ये बहुत अच्छा हो रहा है महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है. ये जो अपने आप को सेकुलर कहने वाले और मुसलमानों की ठेकेदारी का दम भरने वाली पार्टी आज शिवसेना के साथ खड़ी है. हम तो पिछले 15 दिन से दुआएं कर रहे थे कि वहां पे सरकार शिवसेना और कांग्रेस समर्थन के साथ बन जाए ताकि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो जाए सरकार पूरे देश के सामने कि देखो कांग्रेस के भीतर की बात कुछ और होती है और ऊपर की बात कुछ और होती है. कांग्रेस ने हमेशा वही किया है और ये पहले से इन लोगों के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे. आप ही की नहीं थी मसूद साहब, मुझे याद आता है जब कांग्रेस के विधायक जयपुर में थे तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर कदमबोसी करने भी गए थे. तो वो तो कांग्रेस को मालूम था ना कि अगर इन्होंने समर्थन नहीं देते तो 30 इनके एमएलए टूट के वो शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर लेते. और ये तो मैं बधाई देता हूं शरद पवार जी को कि अगला राष्ट्रपति बनने का उनका रास्ता साफ हो गया है. शरद पवार जी को मैं अभी से बधाई देता हूं
एनसीपी के लोगों को, आप भविष्यवक्ता ना बने मसूद साहब। मैं देख रहा हूँ कि पवार जी पवार साहब को लेकर आप भविष्यवक्ता ना बने। अगला प्रेसिडेंट हमें महाराष्ट्र से मिलेगा हिंदुस्तान। प्लीज 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 मसूद साहब आप भविष्यवक्ता ना बने। ये शरद पवार है और शरद पवार की राजनीति को जो जानता है, मराठा क्षत्रप ने गुजरात के चाणक्य को चित किया, ये आप मानते हैं संजीव उनियाल साहब? बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है। अगर आज कोई अजीब सी तीन चार चीजें एक साथ इकट्ठी हो गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ मरीज ज्यादा टाइम चलने वाली है क्या? ठीक है, आज हमें एक इनको बधाई देनी चाहिए कि बिल्कुल विरोध रखते हुए सावरकर के विषय में, कार सेवकों के विषय में, जैसे मसूद साहब भी कह रहे थे कि आप बिल्कुल स्ट्रांग हिंदुत्व के एजेंडा पे खड़े रहे, जबकि बीजेपी तो फिर भी काफी कुछ सॉफ्ट रहा था। उनके साथ बहुत सारे मुस्लिम नेता भी रहे हैं, मुस्लिम के प्रति उनका जो सद्भाव भी देखने में नजर आता है, ट्रिपल तलाक को लेकर भी बहुत कटिबद्ध थे। परंतु इससे पहले कि मैं बहस अपनी आगे बढ़ाऊं, मैं शरद पवार ने क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री के इश्यू पर कोई राय नहीं है। मुख्यमंत्री के इश्यू पर आम राय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सरकार चलनी चाहिए, इस बात पर सहमति है, ये इश्यू नहीं है। बाकी जो डिसेंट प्रोग्राम की बात है, उसका डिस्कशन चाहिए, वो पूरा होने के बाद मुझे लगता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर डिसेंट बताएंगे। मगर इस गवर्नमेंट की लीडरशिप उद्धव ठाकरे की बात है, इसमें यही नहीं थी समझा। लेकिन अभी वापस तो आज सब फैसला हो चुका है, तो वापस होगा डिसेंट हुआ है सीएमशिप का, और बाकी डिटेल प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। लेकिन ढाई साल जो मुख्यमंत्री का था एनसीपी का, क्या ढाई साल एनसीपी लेगी सर? अभी बताइए, हमने जो बताया वो सुनिए। कल शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर डिटेल प्रोग्राम आपको दिया जाएगा। मतलब फाइनल अपने अस्तित्व के बाद से लगातार शिवसेना हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ी, लेकिन आखिर सत्ता क्या होती है आपने देखा कि हिंदुत्व को त्यागा और ऐसा लगता है कि सेना धर्मनिरपेक्ष हो गई। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सरकार का शुभ मंगल सावधान, बदले को तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ कुछ बदलना तो पड़ेगा उनको अपने इश्यूज। हाथ मिले तो सुर बदले और कट्टर बने महान। जो लोग गिरा रहे थे, गिराया था, वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। सत्ता के आगे हिंदुत्व के सवाल पर भागे। उस बारे में जब सरकार बनी थी तो ये तो सुना था कि घिसते घिसते पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, लेकिन शिवसेना ने तो सिर्फ कहते कहते ही शिव सैनिक को महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी तक पहुंचा डाला। हाँ, मैंने पहले दिन ही कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीतिक कुंडली शिवसेना ही तय करेगी और कोई नहीं। सर भाजपा करूंगा, मुझे लगता था दिल्ली में बैठकर यहाँ बैठकर सत्ता और ताकत के बल पर महाराष्ट्र की कुंडली बिगाड़ देंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और हम बाला साहब ठाकरे की शिवसैनिक है, ये किसी ने भूलना नहीं चाहिए। हर किसी के लिए यकीन करना मुश्किल था कि कट्टर हिंदुत्व की छवि वाली शिवसेना और धर्म निरपेक्षता के नाम पर जान और जहान कुर्बान करने का दावा करने वाली कांग्रेस एक ही थाली से अपना अपना निवाला उठाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। चाहे शरद पवार साहब ये हमेशा इस मिट्टी के नेता रहे हैं और छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर हमने राजनीति भी की है और सामाजिक कार्य किया है, बहुत बड़ा काम किया है, तो महाराष्ट्र का जो काम है, जो सत्ता है, तो दिल्ली नहीं चला सकता। सवाल है कि शिवसेना कांग्रेस का ये मिलन दूध में पानी जैसा है या फिर पानी में तेल जैसा, यानी सत्ता के लिए अपने अपने सिद्धांतों की बलि देकर दोनों एकाकार हो चुके हैं, या अपनी छवि बरकरार रखने की छटपटाहट नजर आती रहेगी। ये समझना है तो देखिए कैसे हिंदुत्व के सवाल पर शिवसेना नेता संजय राउत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुछ यूं पूर्ण विराम लगाया। महाराष्ट्र का काम है, जो सत्ता है, तो दिल्ली नहीं चला सकता।
सर एक सर हिंदुस्तान का मतलब क्या होगा शिवसेना का राम मंदिर उस बारे में जब सरकार बनेगी तो पता चलेगा। तो क्या महाराष्ट्र की जनता के विकास के नाम पर हुए इस अभूतपूर्व गठबंधन ने अपनी जुबान खोलना मना है? कांग्रेस एनसीपी की पुरानी सहयोगी रही समाजवादी पार्टी तो यही कह रही है। लेकिन आप मानते हैं कि शिवसेना तैयार होगी? नहीं तैयार है शिवसेना को सरकार बनाना है हमारे साथ में तो हमारी शर्तों बनाएगी, ऐसी थोड़ा बना सकते सरकार। लेकिन जिस पार्टी की विचारधारा इतनी पुरानी हो आपको लगता है एक दिन में बदल जाएगी? नहीं बदलते हैं लोग बदलते हैं। मैं देख रहा हूँ जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ने में सबसे पहला फौड़ा चलाया था ना उसने रात को सोया नहीं, वो हिंदू था हरियाणा का, लेकिन उसने एक दिन तय किया कि मैंने गलती किया और मुसलमान बन गया, पूरे देश में जाकर मुसलमानों को बढ़ाने काम कर रहा है। बात अयोध्या की चली तो एनसीपी ने विवादित ढांचे के विध्वंस पर बाला साहब ठाकरे के बयान की ही नई व्याख्या कर दी। जो लोग उस वक्त थे या आज हैं उन्हें पता है कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जर माझ्या शिवसैनिकांनी मस्जिद पाडली असेल तर मला त्याचा अभिमान है। इसका मतलब ये होता है अगर गिराई है तो मुझे अभिमान है। जो लोग गिरा रहे थे गिराया था वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने जो शब्द कहा था वो गिराया है ये नहीं कहा था, ये लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसे उदार हृदय वाले दोस्त पाकर धन्य हुए उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाकर अपने विधायकों को समझाया कि बीजेपी ने झूठ बोला इसलिए अब उसकी दोस्ती भूल जाओ और कांग्रेस एनसीपी से मित्रता निभाओ और ये नई दोस्ती बीजेपी को चुभ रही है। बेवफा सनम से मिले जख्मों पर बीजेपी और कह भी क्या सकती है, लेकिन ये आशंका 30 साल तक दोनों के मोहब्बत की चश्मदीद रही जनता को भी सता रही है कि जिसने एक कुर्सी के लिए 30 साल का साथ छोड़ दिया वो बाकी कुर्सियों के 3 हिस्सों में बंटवारा कर 5 साल तक सरकार की गाड़ी चला पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। कैसे धक्के की गाड़ी आप देख रहे थे हमारी रिपोर्ट में। इस बीच हमारे संवाददाता ने उद्धव ठाकरे से बात की, आखिर उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, बहस से पहले ये भी सुनिए आप। सुभाष जी क्या हुआ मीटिंग में? अरे मैंने अभी बताया ना, एक सरकार बनेगी जल्द से जल्द बनेगी आप चिंता ना करें। सरकार बनाने का दावा कब तक पेश किया जाएगा? सुनिए बहुत सारे मुद्दों पर सहमति हुई है लेकिन हमने फैसला किया है कि एक भी सवाल बाकी नहीं रहना चाहिए, इसलिए सारी बातें सुलझाकर आपके सामने आ जाएंगे। जी आप सुन रहे थे उद्धव ठाकरे को, थोड़ी राहत उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी कि आखिर उन्होंने बीजेपी को पटखनी दे दी। जी हम इस पर चर्चा करेंगे लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, महीना लग गया अगर ये सूत्रों के हवाले से खबर जो नेता कह रहे हैं इससे मान ले, महीना लगा दिया सरकार बनाते बनाते, अब ये मान लेना चाहिए कि सरकार बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया। बीजेपी से दोस्ती टूटी, नए दोस्त बने तो शर्त ये थी सीएम की कुर्सी हमारी सरकार तुम्हारी। जी हां इसके बाद बात आगे बढ़ेगी तो मलाईदार मंत्रालयों को लेकर बंदर बांट भी होगी क्योंकि पावर के गेम में शरद पवार कबड्डी के खिलाड़ी हैं। हुत्तुत्तुत्तु कबड्डी कबड्डी कबड्डी। जी हां तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो बवाल मचा था ऐसा लगता है कि सरकार बनने वाली है। मेरे साथ मैं मेरे मेहमानों को फिर एक बार आपसे परिचय करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में संजीव उनियाल साहब, मसूद हाशमी साहब, अजीत मेंडोला साहब और मेरे साथ संजीव द्विवेदी जी। संजीव द्विवेदी जी आपको बधाई दे दूं और आप बधाई स्वीकार लीजिए ठाकरे आला रे। संजय द्विवेदी मनीष जी, संजय द्विवेदी जी संजय की आंख कल से कह रही थी कि मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा। मैंने आपसे मनीष जी आपको याद होगा मैंने विदिन फर्स्ट डे से बात कही है कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, उसे कहां सुन लीजिए आप क्यों बनेगा? देखिए देश और प्रदेश से बड़ा विचारधारा नहीं हो सकती है, देश और प्रदेश से बड़ी विचारधारा नहीं हो सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को झूठा कहा है तो उन्होंने सरकार नहीं बना रहे हैं तो महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए शिवसेना का यह पहला दायित्व था कि सरकार बनाए। आज हम सरकार बना रहे हैं, इस विषय बना रहे हैं कि देश और प्रदेश से बड़ी विचारधारा नहीं हो सकती है।
प्रदेश सबसे बड़ा होता है, अगर प्रदेश रहेगा तो शिवसेना रहेगी, और प्रदेश ही नहीं बचेगा तो कोई पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरा मूल मंत्र यह है कि आज जो सरकार बनेगी वो 5 साल चलेगी और पूरा विकास करेगी, जनता का विकास करेगी, क्योंकि शिवसेना 80% समाज सेवा करती है और 20% राजनीति करती है। शिवसेना माने बाला साहब ठाकरे कहते हैं। संजय जी एक चीज बताइए, संजय जी आप एक बात बताएं, दगाबाज कौन है? आप दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, आपने वोट बटोरे, आप दोनों के बीच जनता के साथ दगाबाजी करने वाला कौन? दगाबाजी नहीं माने जी, दगाबाजी नहीं है। जो लोकसभा चुनाव से पहले माननीय जो मीटिंग हुई थी उद्धव जी के ठाकरे के साथ में, जो हमारे माननीय उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कहा कि ये बातचीत हुई थी 50-50% की। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है और झूठा साबित कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हो गई, झूठा साबित कर रही है। अगर झूठा साबित कर रही है तो ऐसे दोस्त तक रहना उचित नहीं होता है। ये सब हिंदुस्तान के सभी शिवसैनिकों की राय है, ये मैं आपको बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से, शिवसेना के सभी। आप कह रहे हैं झूठा साबित कर रही, कोई प्रमाण है? संजय जी आपके पास कोई प्रमाण है कि ये करार हुआ था? आपके पास कोई प्रमाण है? वो ये आपके लिए भी कह सकते हैं कि आप झूठा दावा कर रहे हैं, आप वो वैमनस्य निकालना चाह रहे हैं जो पढ़ रही, कोई प्रमाण है? संजय जी आपके पास कोई प्रमाण है कि ये करार हुआ था? आपके पास कोई प्रमाण है? वो ये आपके लिए भी कह सकते हैं कि आप झूठा दावा कर रहे हैं, आप वो वैमनस्य निकालना चाह रहे हैं जो 5 साल में आपको नहीं मिला, आपका वजूद सरकार में 0 के बराबर था। शिवसेना ने मनीष जी, कभी शिवसेना ने झूठ बोल के राजनीति नहीं की है, हमेशा देश के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, कभी झूठ बोल के राजनीति नहीं की है। हमारा सीएम बने या ना बने, आज आप देखिए कांग्रेस एनसीपी ने मिलकर एक फैसला किया और तब शिवसेना को शामिल किया, और माननीय फडणवीस जी ने तुरंत घोषणा कर दी थी कि 5 साल का मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। तो ये चीज गलत थी, उनको शिवसेना के साथ आगे वार्ता करनी चाहिए थी, झूठा सिद्ध नहीं करना चाहिए थी। गठबंधन कभी नहीं टूटता, जो आपके मीडिया में जो आरोप लगाए जा रहे हैं। रुकिए द्विवेदी जी, आप रुकिए, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता महाराष्ट्र से ही केशव उपाध्याय टेलीफोन लाइन पर हैं। केशव आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर कांग्रेस की हमें समर्थन दे रही है तो मैंने बात नहीं की उनके बीच में, वो मेरे बीच में बात ना करी, नहीं मेरी हमारे मित्र। केशव आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मुझे मेरी आपके। जी जी ठाकरे आला रे, ऐसा है, एक तो सबसे पहली बात है, हम पिछले 15 दिन से ये सुन रहे हैं उनके पास 170 MLA के साइन है, अब आज शाम तक, अभी शाम को 7 बज चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई राज्यपाल के पास अभी तक तो गया नहीं है। जब जाएंगे तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमें बीजेपी ने पहले ही कहा है कि महाराष्ट्र में महाजनादेश जो मिला उसका अपमान अगर शिवसेना करके वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाना चाहती है तो उनकी हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है कि जिस तरीके से हमारे साथ चुनाव लड़े, विकास के मुद्दों पे वोट मांगे, और आज वो छोड़ के वो इनके साथ उनके पाला मारने केशव आप एक बात बताएं आज राज्यपाल से मिलने किरीट सोमैया क्या करने गए थे? क्यों गए थे किरीट सोमैया राज्यपाल से मिलने? नहीं, क्यों मिल नहीं सकता कोई राज्यपाल से, ऐसा कोई रूल है कि कोई राज्यपाल से नहीं मिलेगा? अच्छा, तो वो ऐसे ही मिलने चले गए थे अनौपचारिक? अगर राज्यपाल ने उनको समय दिया होगा, राज्यपाल से उन्होंने कोई काम के लिए ये किया होगा, क्योंकि अभी राज्यपाल महाराष्ट्र में जो भी इश्यू है वो सॉल्व राज्यपाल कर रहे हैं, अक्षर की राजवट है, जो भी अगर अपने सॉल्व करने हैं कोई मदद मांगने भी, शिवसेना के नेता भी पिछले सुखा के इश्यू पे गए थे, कांग्रेस एनसीपी के गए थे। केशव जी शिवसेना साफ तौर पर कह रही है कि आपने उनके साथ दगाबाजी की, आपने उनसे झूठ बोला, आज आप ये साफ कर दीजिए दर्शकों के हित के लिए कि आखिर दर्शक जो महाराष्ट्र का दर्शक है, महाराष्ट्र का जो मतदाता है, वो खुद को ठगा महसूस कर रहा है। बिल्कुल सही, मैं थोड़ा घटनाक्रम आपको पूरा बताता हूँ, फिर आप और जनता तय कीजिए कितने दगाबाज किया। ये पूरा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने माननीय हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के चेहरे पर लड़ा, और ये बार बार हम सबने कहा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होगा, माननीय ये जब शिवसेना के नेता स्टेज पे थे तब भी ये बार बार कहा गया, सबसे पहली बात। दूसरी बात,
24 तारीख को शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सबके मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस की, उन्होंने सब कहा कि हम वहां इसी की सरकार बनाएंगे। उसी दिन पहली प्रेस में उद्धव जी ने ये कहा कि हम हमारे पास सारे ऑप्शन ओपन है। तीसरा मुद्दा मैं दूसरे पे बात करता हूँ, हो सकता है हर एक की अपनी अपनी इच्छा होती है, कामना होती है कि हमें हमारा आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसमें गलत कुछ बात नहीं, लेकिन उसके वो संवाद डायलॉग इम्पोर्टेंट है। केशव जी, कुर्सी तो आपको भी प्यारी थी, तभी आप ढाई ढाई साल के फॉर्मूले पर भी नहीं झुके। स्वाभिमान आपका अभिमान में बदल गया था, ये शिवसेना कहती है। अहंकार की लड़ाई में आपने खो दिया। वो फॉर्मूला था ही नहीं, वो आएगा कहाँ से? जो फॉर्मूला सही नहीं हुआ उसके बाद से अगर कोई आपको अपेक्षा है तो चर्चे से मुक्त निकल सकते थे। आपने चर्चा ही नहीं की, वो चर्चा ही करना बंद कर दिया और आप कह रहे हैं और उसने कबूल भी किया, और फिर इस प्रकार से कैसे होगा? जो फॉर्मूला सही नहीं हुआ था उसके बारे में अगर आप जाके बात कर रहे हैं, उसने बार बार ये कहा। जी आप बने रहिए केशव जी, हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा के पास चलते हैं। अभिषेक, आज किरीट सोमैया की राज्यपाल से मुलाकात हुई है कुछ घंटे पहले, आप क्या देखते हैं ये मुलाकात की क्या वजह हो सकती है? देखिए इस पर मामले पर हालांकि अब तक जो जानकारी मिली है उसमें यह सामने आ रही है कि जो पीएमसी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बनता जा रहा है, जिस तक देखा होगा आपने इलेक्शन के दौरान पीएमसी बैंक करीबन 18 लाख के आसपास जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनका पैसा अब तक नहीं मिल पाया है, और यही वजह है जो जानकारी मिल रही है पीएमसी वाले मामले पर यह क्रेडिट सुबैया लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, आरबीआई गवर्नर से मिल रहे हैं, तमाम जगहों पर मुलाकात की थी, और जो जानकारी मिल रही है कि पीएमसी वाले बैंक पर कुछ शायद गवर्नर से मुलाकात करके कुछ उन्होंने उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए होगी, कुछ बात कही होगी, जो जानकारी मिल रही है। क्योंकि आपको पता है देखिए क्रेडिट सुबैया इस वक्त सांसद भी नहीं है, और जैसा कि अंदर खाने से अगर साफ समझे तो वह अभिषेक आप बने रहिए, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, उठा पटक को लेकर ऐसा लगता है कि पर्दा उठने वाला है, लगातार जारी है इंडिया न्यूज देश की धड़कन पर। पावर्ड बाय गोदरेज एयर, बेटर ड्राइव एवरी डे। उद्धव ठाकरे ने आखिर क्या कहा? अरे मैंने अभी बताया ना, एक सरकार बनेगी, जल्द से जल्द बनेगी, जल्द से जल्द बनेगी, आप चिंता ना करें। सरकार बनाने का दावा कब तक पेश किया जाएगा? सुनिए, बहुत सारे मुद्दों पर सहमति हुई है, लेकिन हमने फैसला किया है कि एक भी सवाल बाकी नहीं रहना चाहिए, इसलिए सारी बातें सुलझाकर आपके सामने आ जाएंगे। बताया है सुभाष जी, क्या हुआ मीटिंग में? अरे मैंने अभी बताया ना, एक सरकार बनेगी, जल्द से जल्द बनेगी, जल्द से जल्द बनेगी, आप चिंता ना करें। सरकार बनाने का दावा कब तक पेश किया जाएगा? नहीं सुनिए, बहुत सारे मुद्दों पर सहमति हुई है, लेकिन हमने फैसला किया है कि एक भी सवाल बाकी नहीं रहना चाहिए, इसलिए सारी बातें सुलझाकर आपके सामने आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे, और उनकी जो मुस्कान थी चेहरे की जब उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बनेगी सरकार, ये जरूर वो भी जानते थे कि मुख्यमंत्री भी मैं बनूंगा। जी हां, इस बीच हमारे साथ एनसीपी की प्रवक्ता रेशमा पटेल भी जुड़ गई हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दूसरे पड़ाव में आगे बढ़ूं, संजय द्विवेदी जी आपके पास आता हूं। आज आपके पास दोहरी खुशी है, मुंबई में आपकी मेयर, उल्लासनगर ठाणे में आपकी मेयर, और दूसरी खबर ये कि अब महाराष्ट्र का सरदार भी शिवसेना का होगा। मुझे लगता है द्विवेदी जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही। रेशमा, रेशमा 2014 में बगैर पूछे, मनीष जी अब आवाज आ रही है। जी बताइए मनीष जी, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं जब उद्धव ठाकरे नए मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र में, नीचे ले उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप के बारे में हमारे यहाँ सहमति हुई। ये
जी आप सुन रहे थे उस पावरफुल मैन को, जी हां महाराष्ट्र की राजनीति का वो पावरफुल चेहरा, वो शरद पवार जो कि राजनीति के एक एक मोहरे को फूक फूक कर चलते हैं और जानते हैं कि कब कौन सा चलना चाहिए। अब द्विवेदी जी आपने मेरा सवाल सुना था, क्या शिवसेना ने बीजेपी से दोस्ती तोड़कर नए दोस्त जो बनाए हैं, आपको लगता है कि 2014 की खीज निकाली है? 2014 में ना तो आप किंग थे ना ही किंग मेकर। नहीं मनीष जी, इसमें मैं आपको बिल्कुल वो कहूंगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 2014 में इन्होंने एनसीपी से मिलकर सरकार बना ली थी, शिवसेना ने बाद में समर्थन दिया और समर्थन बिना शर्त दिया था और 5 साल पूरे सरकार चली बिल्कुल बिना शर्त। नहीं द्विवेदी जी, करता क्या न करता वाली स्थिति थी द्विवेदी जी, आप द्विवेदी जी बिना शर्त वाली बात नहीं थी उस समय शिवसेना के लिए, मरता क्या न करता शिवसेना। नहीं ना ऐसा कुछ नहीं मनीष जी, अगर हमें समर्थन दिया तो हम क्योंकि सरकार में थे पहले से, हमारे गठबंधन था, हम गठबंधन को कंटिन्यूस रखा और आज अगर मुख्यमंत्री पद मांगे मनीष पूछना चाहूंगा, जनता पार्टी ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पेपर दे दिया। अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात आती है कि महाराज जनता के लिए सरकार बनना जरूरी है। साहब का सवाल है, फिर उसके बाद मसूद हाशमी और रेशमा को मुझे लाना है के लिए अपनी सहमति जी उनियाल। मेरा प्रश्न मनीष इनसे ये है आपके व्यूअर्स के सामने, कि आपको लगता है कि 50-50% का फार्मूला आप लगातार कहे जा रहे थे पूरे भारतवर्ष को पूरे संसार को कि हम 50-50% के फार्मूले पे बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, परंतु अब तो 33-33-33% वाला फार्मूला भी काम नहीं कर रहा और शरद पवार आज भी आपको 33% अगर आपके चीफ मिनिस्टर को छोड़ दे हमारा बन रहा है। उसके बाद मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए, मेरे मित्र मेरा प्रश्न तो पूरा होने दीजिए। अभी भी 33% पर भी आज भी गवर्नर को आपने पत्र प्रेम पत्र नहीं दिया, आज भी शरद पवार ने पूरा रिमोट अपने पास रखा हुआ है और आप देखिए आपके उद्धव ठाकरे जी का चेहरा आज भी वो जो प्रफुल्लित चेहरा होना चाहिए आने वाले चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल कैपिटल में, वो मुझे मनीष आज भी नजर नहीं आ रहा। क्या कारण है इसका मनीष जी? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। द्विवेदी जी रिमोट कंट्रोल सुपर कमिटी के पास होगा मसूदा। मनीष जी देखिए, जो दिखाया जा रहा है कि शिवसेना कामयाब हो गई सरकार बनाने में या शिवसेना का दिखाया जा रहा नहीं, जो हुआ वो बता रहे हैं, दिखाया जा रहा है मसूदा करिया जो हो रहा है, जो नजर आ रहा है, जो ये नजर आ रहा है कि शिवसेना कामयाब हो गई, ये असल में कामयाब शिवसेना नहीं हुई, यहाँ पर जीत हुई है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर की वर्डिक्ट आने के बाद, अयोध्या वर्डिक्ट आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत देखना चाहती थी कि इस इम्पैक्ट का लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने ठोकरों में रखा शिवसेना को, कहाँ रखा? ठोकरों में। वो देखना चाहते, उनको मालूम है कि ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है। हमारे बीच एक महिला बैठी है, जरा उनको भी बहस में ला लेते हैं। ये तीनों पार्टियां अब ये शरद पवार की पार्टी नवाब मलिक को सामने ला रही है, कांग्रेस अहमद पटेल को ला रही है, सिर्फ ये और अबू आसिम आजमी बीच में। और एक बात मैं आपको जानकारी आपको एक और जानकारी देता हूँ मसूद साहब, आपने दो नाम लिए अल्पसंख्यक नाम, तीसरा नाम मैं सेना का बताता हूँ। अब्दुल सत्तार उनके जो विधायक हैं, जितने मुखर होकर उन्होंने टेलीविजन को बाइट दी है, तो आप ये समझिए कि तीनों जो दल हैं वो धर्म निरपेक्ष सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रेशमा पटेल, आप ये बताइए कि अबू आजम आदमी ने ये कह दिया है कि मुसलमानों के आरक्षण की बात को सामने रखकर ही हम इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, कैसे बनेगी बात? देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड हुआ है ना, बहुत से दिनों से इस पे चर्चा भी, ये तो अनकॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम हो गया। जनता के हित में रहेगा, सर्वधर्म के हित में रहेगा, वो डिसीजन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहाँ रह गया मनीष? ये तो अनकॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम होगा, बहुत सेंसिटिव। जिम्मे आप कैसे अदा कर, सुनिए मनीष जी, बहुत सेंसिटिव, इस पे हम ऐसे बहस नहीं कर सकते। कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म के लोग रहेंगे, उसके हित में जो भी निर्णय रहेगा वो सब रहेगा। देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आती मनीष जी, कि बार बार इस टॉपिक को सरकार बनाने को लेके हम क्यों धर्मवाद पे चले जाते हैं।
हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, मैं भी हिंदू की बेटी हूं तो उसका मतलब है कि मैं एनसीपी में हूं तो मेरा हिंदुत्व खत्म हो गया, मेरा धर्म खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। हिंदुत्व की परिभाषा जो भारतीय जनता पार्टी आंक रही है वो परिभाषा हम नहीं आंक रहे, बस इतना ही फर्क है सिर्फ। जी आप ये भी बता दीजिए कि आप 5 साल ये सरकार चला लेंगी रेशमा, क्योंकि 56 के बाद 54 आप हैं, और मुझे याद है मुंबई में एक फिल्म बनी थी अब तक 56। देखिए मनीष जी, डेफिनेटली चला पाएगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सरकार बनाना ही सिर्फ काम नहीं है, हमारी पर जो रिस्पांसिबिलिटी है वो इतनी ही बनती है जितनी विरोध पक्ष में बैठ के हम काम करते हैं या तो सत्ता में बैठ के। मैं दोनों पक्ष को इक्वल मानती हूँ। भारत में पहली बार नहीं हो रहा, मेरी आशा करें, बहुत से गठबंधनों की सरकार चल रही है। प्रश्न का जवाब नहीं दे रही हैं आप, लगातार एक रट के आई हैं। मनीष में एक प्रश्न है, रेशमा जी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मैं देती हूँ आपका प्रश्न का, बताइए क्या चाहिए। रेशमा जी मैं ये कह रहा हूँ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, पर मैं ये कहता हूं कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता। मनीष आपके व्यूअर्स इतने करोड़ों संख्या में देखते हैं, ये तो अनकॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम था जिसको कि आप करते आप ये कह रहे हैं कि अप्राकृतिक गठबंधन है, अप्राकृतिक बिल्कुल अनेचुरल, लेकिन सभी मिलकर कह रहे हैं कि हम 5 साल चलाएंगे। कांग्रेस जो है अभी तक क्यों नहीं कर रहा है, गंदे नाले में मिलना होता है वहां मिल जाते हैं, राजनीति राजनीति ऐसी है जहाँ जगह मिलती है वहाँ पानी जैसे घुसता है। अजीत सिंगला साहब बहुत देर से शांत है। अजीत जी रेशमा, रेशमा के सरकार बनाई है। रेशमा रेशमा मैं कल से आपसे कह रहा हूँ, आप अपने चेहरे पर खुशी लाइए, आपकी सरकार 5 साल बाद बन रही है, वी हैव ए स्माइलिंग फेस। अजीत जी अजीत जी एनसीपी और शिवसेना के क्यों मुरझा रखे हैं? अजीत जी आखिर ऐसा क्या हुआ कि नितिन गडकरी जो पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में आप ये समझिए कि कहीं पिक्चर में नहीं थे, आज वो एक बयान दे देते हैं कि ये सरकार 6-8 महीने चलेगी, एक और दूसरा उन्होंने कहा था राजनीति और क्रिकेट में सब कुछ संभव है, तो ये गडकरी से कहा गया कहने के लिए या गडकरी ने खुद कहा है? नहीं नहीं, गडकरी जी बहुत गडकरी भी अब एक समझदार राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने सोच समझ के कहा होगा। देखिए मनीष जी, हम लोग इतनी बहस करें लेकिन इसमें सारा जो खेल है, अगर ये सारा खेल ईडी का है, ईडी ना पवार साहब पे छापे मारती, ना पवार साहब इतनी ताकत लगाते चुनाव लड़ने में, और ना बीजेपी का सारा समीकरण गड़बड़ाता। देखिए जिस दिन परिणाम निकल रहे थे हम और आप साथ बैठे थे, आपने देखा होगा कि जब 145-50 से ऊपर बीजेपी जाने लगी थी तो ये लगने लगा था कि शिवसेना, मतलब अब शिवसेना पिछली बार जैसे 2014 में चुपचाप बैठी थी, देखिए कहीं ना कहीं शिवसेना को एहसास हो गया कि बीजेपी अब रीजनल पार्टियों को निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है। अनुच्छेद 370 के बाद लग रहा था कि लहर है, तो शिवसेना कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही परिणाम हटके जब मामला बॉर्डरी पास बोल गया तो शिवसेना को भी लगा कि अब हमको मौका है। अब देखिए ये मौका मिल गया, बीजेपी ने जो जल्दबाजी दिखा दी अनुच्छेद 370 के चलते, छापेमारी नहीं करती तो शायद था कि परिणाम ये नहीं आते। अब ये बीजेपी के लिए एक शुरुआत, ये बीजेपी अब कैसे अपने को संभालेगी? देखिए सरकार साल भर चलेगी, 1.5 साल चलेगी या 5 साल चलेगी, अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब 1 साल बाद क्या करवट बदलते हैं, क्या बिहार का परिणाम रहता है, क्या झारखंड का, लगातार चुनाव है, पहले झारखंड के बाद दिल्ली, इस तरह से ये चुनाव लगातार चलते रहेंगे और हमें दिखाई देगा कि आखिर हवा का रुख क्या है। मेरे साथ अभी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है लेकिन मेरे मन में सवाल है, सवाल ये है मसूद हाशमी और उनियाल साहब, मैं आपसे पूछूंगा, वो बीजेपी जो कि गोवा जैसे छोटे से राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, अपने बड़े बड़े नेताओं को भेज दिया था, नितिन गडकरी जैसा नेता वहां जाकर कैंप कर रहा था, महाराष्ट्र में वो बड़े नेता कहां थे? बहुत अच्छा। क्यों नहीं आए बीजेपी के बड़े नेता? एक छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। पृथ्वीराज चौहान और जयंत पाटिल, जी हां एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष, संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं।
काल आपल्याला आम्ही सांगितल्याप्रमाणे आज तिन्ही पक्षाची शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस तिन्ही पक्षाची संयुक्त पृथ्वीराज चौहान काँग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कल जैसा मैंने आपको बताया था आज हमारे तीनों दल के नेता शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के चर्चा अतिशय सकारात्मक झाली चर्चा बहुत सकारात्मक थी अजून चर्चा संपलेली नाही चर्चा अभी भी खत्म नहीं हुई चर्चा चालू राहील चर्चा लगातार जारी रहेगी जैसे कि हमने कल आपको बताया था कल हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की चर्चा हुई थी और सभी मुद्दों पे हमारी आम राय बन गई थी और आज हम दोनों पार्टियां मिलकर शिवसेना से बातचीत करने मुंबई आए थे हम तीनों पार्टियों की सरकार स्थापन करने के बारे में और उसके जो भी मुद्दे हैं उन सभी के बारे में चर्चा हुई चर्चा बिल्कुल सकारात्मक थी तीनों पार्टियों के शीर्ष नेता उपस्थित थे लेकिन बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है कल मुद्दे हैं उन सभी के बारे में चर्चा हुई चर्चा बिल्कुल सकारात्मक थी तीनों पार्टियों के शीर्ष नेता उपस्थित थे लेकिन बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है कल बातचीत हम जारी रखेंगे धन्यवाद इंग्लिश ऑल्सो एज वी टोल्ड यू यस्टरडे डिस्कशंस बिटवीन कांग्रेस एंड एनसीपी कंक्लूडेड इन दिल्ली We reached complete agreement on a common position and as we told you yesterday, we have come to Mumbai and there was a meeting between the three partners, Shiv Sena, NCP and Congress. The discussions were conducted in a positive manner. We have reached many conclusions. Talks remain to be concluded. We will continue the talk tomorrow. Thank you. I cannot second guess what he has said. Whatever he has said, you heard it. It's on record. जब सभी मुद्दों पे पूरी चर्चा होगी तो उसके बाद हम पूरी सभी बातों पे आपके साथ परिषद वार्ता परिषद करके आपको पूरे मुद्दे के बारे में जानकारी देंगे देखिए हम पूरी बातों की जानकारी आपको देंगे जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल पॉजिटिव चर्चा हुई है और जब चर्चा शुरू होती है वो ऊपर से नीचे चर्चा होती है शुरू तुम्हाला उद्या सगळं कळेल ना जेव्हा संबंध सरकारचं आर्किटेक्चर उद्या सगळं संपलं आमची चर्चा अजून पूर्ण झालेली नाही त्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत त्या चर्चा चालू आहे आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जिनके साथ एनसीपी के नुमाइंदे जयंत पाटिल भी मौजूद थे हम फिर एक बार अपनी बहस की ओर लौटते हैं और जो सवाल ब्रेक के पहले मैंने अपने मेहमानों से किया था जी हाँ वो हम जान लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है मैं अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में हूं
10-10 सेकंड मसूद साहब और उनियाल साहब, आप बताइए कि जो मेरा सवाल था, आखिर बीजेपी ने ताकत क्यों नहीं लगाई? मनीष, पहली बात तो जब भी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आप देखिए, दो पार्टियां आज तक, किसी पार्टी शिवसेना को बीच में अभी तक नहीं लाए, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। दूसरा, मुझे लगता है कि ये शिवसेना के लिए सुसाइडल रहने वाला है। मसूद जी, उनियाल साहब, और सुसाइडल रहने वाला है। मैंने जैसे पहले कहा, बीजेपी इज वेरी मच कॉन्फिडेंट, उसको मालूम है कि कुछ दिनों की सरकार है, उसके बाद बीजेपी अगला इलेक्शन वहां पर अपने दम पर लड़ना चाहती है और अपनी सरकार बनाना चाहती है, देखना चाहती है। मसूद साहब, मेरे पास समय का पाबंदी है, समय कम है, लेकिन मैं मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना कहना चाहूंगा, सब कुछ बताएगा सर, कल के मीटिंग में भी आप आएंगे, फिर तब होने वाले सर यार, कल हो प्लीज प्लीज। आप देख रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, जो कि आप ये जानते हैं कि वो कांग्रेस के चाणक्य हैं और सोनिया गांधी के नुमाइंदे होते हैं। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि अभी मसूद साहब ने कहा और जो राय बनी, रहीमन धागा प्रीत का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मैंने किसके लिए कहा आप समझ गए होंगे। देश का सवाल में आज इतना ही, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के। दिल्ली में कैसे खुलेआम हुई चाकूबाजी।